Param Pujipad Srimad Swami Suhitananji Maharaj, Swami Atma Priyananji Maharaj, Swami Satyashananji Maharaj, Swami Gautamananji Maharaj, Swami Shumayananji Maharaj, Swami Suviranandji Maharaj, Anya Pujya Sanyasi Vrind, aur is sabha mein upasthit Shri Ramakrishna Bhakta Mandali. Jaisa ki aapne suna, main Hindi bhasha mein bolunga aur vishay aap sabko pata hai ki Thakur Maa Swami Ji ke sandeshon ko hum apne jeevan mein kaise utaarein. Yadi Bhagwan Shri Ramakrishna Dev ke sandeshon ke saar ko ek vakya mein kahna ho to main yah kahunga ki Shri Ramakrishna Dev ne bataya manushya jeevan ki sarthakta isi baat mein hai ki vah apne is jeevan mein hi ishwar ki anubhuti kare. Bhagwan Shri Ramakrishna Dev ko jab wo bachpan balak the unko yah suavsar prapt hua tha ki ve sadhuon ki seva karein aur satsang karein aur tab se unke jeevan mein yah dharana badhmul ho gayi thi ki jeevan ka uddeshy ishwar ki prapti hai. Aur isiliye aap sabhi jante hain unke bade bhai Ramkumar ne ek bar jab gadai se pucha, are gadai, मैं सुनता हूं तू पढ़ता लिखता नहीं है, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तेरा काम कैसे चलेगा. श्री रामकृष्ण देव ने बेझिझक उत्तर दिया, भैया मैं दाल चावल इकट्ठा करने की विद्या नहीं पढ़ना चाहता, मैं पेट भरने वाली विद्या नहीं पढ़ना चाहता, भैया मैं तो ऐसी विद्या पढ़ना चाहता हूं जिस विद्या को पढ़ लेने के बाद जीवन सफल हो जाता है. रामकुमार उस समय नहीं समझ पाए थे कि बालक गदाई के मुख से ऋषियों की वाणी ही प्रतिध्वनित हो रही है. मैत्रेयी ने भी तो यही कहा था जब याज्ञवल्क ने उन्हें धन संपत्ति देने का आग्रह किया, तब मैत्रेयी ने कहा एनाहम किम कुर्याम तेनाहम नाम्रता श्याम, महर्षि मैं उसको लेकर भला क्या करूंगी जिससे मैं अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती, आप तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो. और तब याज्ञवल्क ऋषि ने ज्ञान दिया था आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, मैत्रेयी आत्मने दृष्टे श्रुते मते विज्ञातिदं सर्वं विदितम्. इस आत्मा को जान लेने से ही सब कुछ जाना जा सकता है. गदाई भी उसी ईश्वर को जानना चाहता था, वही आत्मा को वह जानना चाहता था, और इसलिए प्रारंभ से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया. समय तो पंख बांध कर उड़ता गया. श्री रामकृष्ण देव के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, और हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि वे दक्षिणेश्वर में माता काली के मंदिर के प्रधान पुजारी के पद पर नियुक्त हुए. मां के वास्तविक स्वरूप को वो देखना चाहते थे, मां से प्रार्थना करते थे मां तुम मुझे दर्शन दो, अपना यह मृण्मयी आवरण हटा दो, तुमने कमलाकांत को दर्शन दिए हैं, तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिए हैं, मुझसे भला ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई मां कि तुम मुझे दर्शन नहीं देती. और एक दिन आप सभी जानते हैं कि गदाधर ने गदाई ने एक कठोर निर्णय लिया. उसने सोचा कि उस जीवन को रखने से कोई लाभ नहीं जिस जीवन में जगन माता के दर्शन नहीं हो. वो मंदिर चले जाते हैं, खड्ग उठाते हैं, अपने गले पर मानो चला ही देते हैं. अचानक उनको लगता है कि जैसे उसके हाथों को किसी ने रोक दिया है. आंखें खुलती हैं, जगन माता के दर्शन उनको होते हैं. जगन माता के जिस स्वरूप के दर्शन के लिए वे कितने दिनों से लालायित थे,
जगन माता उनको दर्शन देती है और फिर श्री राम कृष्ण देव का जीवन बदल जाता है। हम सभी पढ़ते हैं कि वे तो सर्वधर्म की साधना करते हैं, सर्वधर्म समन्वयाचार्य हो जाते हैं, युगावतार हो जाते हैं, अवतार वरिष्ठ हो जाते हैं, आज सारा विश्व उनकी पूजा कर रहा है। तो श्री राम कृष्ण देव के जीवन का मूल संदेश क्या था? वह मूल संदेश था ईश्वर को प्राप्त करना। और श्री राम कृष्ण देव बतलाते थे कि व्याकुलता से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अपने प्राणों को नष्ट कर देने के लिए उद्यत हो गए थे श्री राम कृष्ण देव कि उनको जगन माता के दर्शन नहीं हुए हैं। श्री राम कृष्ण देव ने ईश्वर दर्शन को सहज बना दिया। श्री राम कृष्ण देव ने कहा, अरे मैं दावा करता हूं 3 दिन 3 रात यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए रोएगा तो उसको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। हमारे जीवन में कितने वर्ष होते हैं, कितने माह होते हैं, कितने दिन होते हैं, हजारों दिन होते हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि 3 दिन 3 रात ईश्वर के लिए रोना है। पर क्या 3 घंटे 3 मिनट भी हमारे जीवन में ऐसी व्याकुलता आती है कि भगवान तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया? यह व्याकुलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। हम ठाकुर के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं भगवान ठाकुर हमको दर्शन दो, तोते की भांति मुख से निकलता है पर हृदय में यह अनुभूति नहीं होती। इसलिए तो रामकृष्ण संघ में शाखाओं में जो प्रतिदिन संध्याकालीन प्रार्थना में हम लोग यही तो प्रार्थना करते हैं, भक्तिर्भगश्च भजनम भव भेदकारी गच्छन चलम सुईमलम नाय तत्वम, कि मैं जानता हूं कि भक्ति से मनुष्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, किंतु ये बात मेरे मुख से निकलती भर है, हृदय में मेरे अनुभव नहीं होता है। तो ऐसी कुछ कृपा करो प्रभु कि मुझे आपके दर्शन की व्याकुलता दो, हृदय की गहराई से मेरे मन से यह भाव निकले कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। और जिस क्षण हमारे मन में ईश्वर दर्शन के प्रति हृदय से उत्कंठा जागृत हुई, हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो पथ है वह आध्यात्मिक जीवन का पथ मानो खुल गया। पर यह भाव कैसे आए? माँ इसके लिए कहती है, जप करो बेटा, जप करो। माँ ने अनेक बार कहा है, जपात सिद्धि, जप से व्यक्ति की सिद्धि हो जाएगी। जप में मन नहीं लगता तब भी जप करो, यंत्रवत जप करो। जप करते करते एक ऐसा समय आएगा जब हृदय से ईश्वर के दर्शन की व्याकुलता प्रकट होगी, ईश्वर के हृदय ईश्वर के दर्शन की व्याकुलता हृदय से प्रकट होने पर मानो हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खुल जाएगा। तो माँ ने जप करने का उद्देश्य दिया, जप करना है। हम संसार के कार्यों में प्रतिदिन व्यस्त हैं, माँ तो लाखों जप प्रतिदिन किया करती थी। तो जप करने का संदेश माँ ने दिया, जप करते करते निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर आएगा जब हमारे हृदय से यह भाव निकलेगा कि हमको ईश्वर के दर्शन करना है और ईश्वर की कृपा हम पर हो जाएगी। ठाकुर और माँ तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो प्रकांड विद्वान थे। ठाकुर के संदेशों को उनको सारी दुनिया में फैलाना था और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने दर्शन की भाषा में ठाकुर के संदेशों को सारी दुनिया में फैलाया। यही बात स्वामी विवेकानंद ने दर्शन की भाषा में कही, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डू इट either by work or by worship or by psychic control or by philosophy, by one of these or by all of these and be free, that is the whole of religion। ईश्वर प्राप्ति के तो बहुत से मार्ग हैं,
ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है। किंतु ठाकुर के जीवन की विशेषता यह है कि ठाकुर ने हमारे सम्मुख एक अभिनव आध्यात्मिक संस्कृति को रखा। उन्होंने सेवा योग की बात कही। स्वामी विवेकानंद तो सुखदेव की भांति आनंद में डूबे रहना चाहते थे। श्री राम कृष्ण देव ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मैं तो समझता था तू विशाल वट वृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तले सैकड़ों रोग विश्रांति का अनुभव करेंगे, किंतु मैं देखता हूं रे तू बहुत स्वार्थी हो गया है। इससे भी एक बड़ी ऊंची अवस्था है बेटा। और बाद में श्री राम कृष्ण देव ने विवेकानंद को, नरेंद्र नाथ को बता दिया था, इससे ऊंची अवस्था है शिव भाव से जीव सेवा की। मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करना है। जब हम पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसमें हमको दर्शन करना है। यह ठाकुर की अनुभूति थी, शिव भाव से जीव सेवा की ठाकुर की अनुभूति थी। और स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर की इस अनुभूति को सारी दुनिया में फैलाया। उन्होंने कहा, द ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स ऑल एनिमल्स आर टेम्पल्स टू, बट मैन इज द हाईएस्ट, द ताज महल ऑफ द टेम्पल्स। इफ आई कैन नॉट वर्शिप इन दैट, नो अदर टेम्पल शैल बी ऑफ एनी एडवांटेज। और इस मनुष्य की पूजा के लिए अद्वैत के आनंद में डूबे रहने के इच्छुक स्वामी विवेकानंद अपनी मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं। वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं भी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज सो दैट आई मे वर्शिप द ओनली गॉड दैट एग्जिस्ट, द ओनली गॉड आई बिलीव इन, द सम टोटल ऑफ ऑल द सोल्स। मैसूर के महाराजा को स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट एंड द वैनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही यथार्थ जीते हैं, शेष तो जीवित की अपेक्षा मृत अधिक है। तो यह भाव जीवन में उतारना है, मनुष्य की उदात्तता का भाव, मनुष्य की श्रेष्ठता का भाव। भूखे के पास धर्म को रोटी के रूप में ले जाना है, नंगे के पास धर्म को वस्त्र के रूप में ले जाना है, बीमार के पास धर्म को औषधि के रूप में ले जाना है। तो यह भाव हमको जीवन में आचरित करना पड़ेगा। और एक अंतिम बात जो पूर्व के महाराज लोगों ने कही, वो मैं भी कहना चाहता हूँ कि वन के वेदांत को ठाकुर माँ स्वामी जी ने जीवन में लाया। हमारे को अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की पूजा के रूप में करनी है। हर कर्म ईश्वर की पूजा बन सकता है। महाभारत में धर्म व्याध की कथा आती है, वो चांडाल था, मांस बेचने का काम करता था, किंतु पूजा के भाव से करता था, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो हमें प्रत्येक कर्म को ईश्वर की पूजा के रूप में करना है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पूजा के भाव से कर्म करना है। यदि यह भाव हमारे जीवन में उतरे, हम संसार में व्यस्त हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए मान लीजिए समय नहीं मिल रहा है, फिर भी जो काम हमको मिला है उस काम को ईमानदारी से करें। किसान अपने कृषि कर्म को ईमानदारी से करे, व्यवसायी अपने व्यवसाय को इस भाव से करे कि इसके माध्यम से मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, वही ईमानदारी से अपना कार्य करे। प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करे, तो इससे कार्य में गुणवत्ता आएगी और व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होगा। उसके जीवन का प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा हो जाएगा। और यही तो हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम्।
शंभोस्तव आराधनम, कि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ वह तुम्हारी आराधना है। यही स्वामी विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत हमको सिखाता है। स्वामी जी ने मनुष्य की दिव्यता पर बल दिया और इसीलिए स्वामी जी ने कहा, टीच योर सेल्फ, टीच एवरी वन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स, पावर विल कम, प्योरिटी विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, एंड एवरीथिंग दैट इज एक्सलेंट विल कम व्हेन द स्लीपिंग सोल इज राइज टू सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी। तो आत्म तत्व का ज्ञान, सर्वभूतों में ईश्वर की अनुभूति, पूजा के भाव से कर्म करना, यही ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन के संदेशों का सार है। इसको हम अपने जीवन में उतारें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ बेलूर मठ का स्वामी जी लोगों के प्रति कि उन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया, और आप सब के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया, आप सब के प्रति प्रणाम विज्ञापित करता हुआ अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।